सफाई कर्मी की मनमानी के चलते गांव में लगे गंदगी के अंबार। एक तरफ केंद्र सरकार व राज्य सरकार स्वच्छ भारत मिशन के तहत सभी गांव मोहल्लों को साफ सुथरा रखने की बात कह रही है, तो वहीं मछरेहटा विकासखंड के ग्राम राजपुर प्रताप में तैनात सफाई कर्मचारी सरकार की इस मंशा पर पानी फेरने का काम कर रहा है। ग्रामीणों व ग्राम प्रधान अविनेश कुमार ने बताया, बीते 2 महीनों से सफाई कर्मचारी गांव में सफाई करने नहीं आया, जिससे गांव की नालियों में काफ़ी गंदगी भरी हुई है। इसकी शिकायत मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1076 पर भी की जा चुकी है, पर अब तक सफाई कर्मचारी पर इसका कोई असर नहीं हुआ है और वो अपनी मनमानी पर तुला है। R9 भारत के लिए संवाददाता ललित कुमार की रिपोर्ट। का नाम क्या है भैया? बलराम। कहाँ के निवासी हैं? राजपुर प्रताप। अच्छा, आपके गांव में सफाई कर्मचारी आता या नहीं आता है? अब कि नहीं आया है, 2 महीने हो गए हैं। अच्छा, तो सफाई कौन करता है? सफाई वो जब आता है तो वो लेके आता है लेबर। अच्छा, अभी 2 महीने से नहीं आया है, तो गंदगी कितनी भरी हुई है? नाली 1 फीट भरी है कम से कम। नाली के भाई में डंडा डाली है। ज्यादा आपका क्या नाम है? अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? राजपुर प्रताप। अच्छा, यहाँ सफाई कर्मचारी आपके यहाँ आता है नहीं आता है? सफाई कर्मी भैया 2 महीने तो इतने नहीं कहना होती नरिया का है भरी। अच्छा, आप लोगों ने इस संबंध में कभी शिकायत कहीं की है नहीं की है? शिकायत भैया हम जाए नहीं पाए, कहाँ शिकायत करी है। आपका क्या नाम है? अविनेश कुमार नाम हमारा। अच्छा, आप कौन हैं इस ग्राम पंचायत? हम ग्राम पंचायत के प्रधान हैं। अच्छा, कौन सी ग्राम पंचायत है? ग्राम पंचायत राजपुर प्रताप है। अच्छा, आपके यहाँ सफाई कर्मचारी नहीं आ रहा है लोगों का कहना है, तो आपने अभी तक कोई शिकायत इस संबंध में ऊपर की या नहीं? 1076 पर कॉल की लेकिन अभी कोई इंक्वायरी नहीं हुई। अच्छा, तो अभी आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि सफाई कर्मी या तो आए, इसका या तो ट्रांसफ़र हो जाए। अरे हाँ, कोई और।